आत्मवंदन, मेरा नाम पूर्णिका शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक एक्टर हूँ। पीएमसी हिंदी मेरे लिए एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है मेरी सोल फैमिली का। ये ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे अलग महसूस नहीं होता, एलियनेटेड महसूस नहीं होता। मैं यहाँ कैसे आई, इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी, बहुत ही बड़ी यात्रा रही है। तो बचपन से ही मुझे मेरे पेरेंट्स ने ध्यान सिखाया है, अलग अलग मॉडलिटीज़ में वो मुझे लेके गए, अलग अलग हीलिंग मॉडलिटीज़, अलग अलग ध्यान करने के तरीके। पर कभी पता नहीं था कि ध्यान इतना सरल हो सकता है। जब मैं अलग अलग मॉडलिटीज़ करने के बाद भी मेरे जीवन में डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, पता नहीं था करना क्या है लाइफ में, और एक तरह से स्टैग्नेंसी लगने लग गई थी। तब मेरी मम्मा को पता चला पीएमसी हिंदी के बारे में। हम लोगों ने पहली बार ही पिरामिड के अंदर ध्यान किया और उसके बाद गाइडेड मेडिटेशंस करनी शुरू की पीएमसी हिंदी के साथ, अलग अलग वर्कशॉप्स करनी शुरू की, और तत्वमसी की वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो एक तरह से मेरी अपनी इनर जर्नी शुरू हो गई। जब मैं पहली बार ही पिरामिड के अंदर आई, तो आज से पहले मुझे जब भी ईटीज़ दिखते थे या कोई भी ऐसी एनर्जी फील होती थी या कोई भी बीइंग्स फील होते थे जो कि अर्थली नहीं थे, तो मैं डर जाती थी। और मैं जब भी एक्सेप्टेंस अपने पेरेंट्स से मांगती थी, अभी किसी भी मास्टर से मांगती थी, तो मुझे हमेशा नकार दिया जाता था, और जो मुझे दिख रहा था उसको सिंपली मेरी इमेजिनेशन कह दिया जाता था कि मैं सिर्फ कल्पना कर रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आया और यहीं से मेरी कॉस्मिक जर्नी और एक्सपैंड होती जा रही है। पत्री जी की कोई ऐसी सीख जो मैंने अडैप्ट की है वो होगी दैट यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। मैं जहाँ पर भी हूँ, जब भी मुझे स्टैग्नेंसी फील हो रही है, तो जैसे पत्री जी ने बताया और दीप्ति माँ ने और हमें इसके बारे में बताया, दैट इज़ वॉइड। तो इस वॉइड से कैसे ऊपर आना है, ये भी हमारी इनर जर्नी है। तो मैंने ये सीखा कि आई क्रिएट माई ओन रियलिटी। तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, जैसे मुझे घर जाने के लिए ऑटो नहीं मिल रहा था, और मैं हमेशा पत्री जी की ये बात, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, मम्मा को बोलती रहती थी। शी इज़ लाइक, ऑटो नहीं मिल रहा, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। और तभी हम लोगों को ऑटो मिल गया, दैट टू जो डबल रेट पे मिलता था उसके हाफ रेट पे मिल गया घर जाने के लिए। तो दैट इज़ वॉट आई हैव अडाप्टेड इन माई लाइफ। और ध्यान से कई चमत्कार हुए हैं मेरी लाइफ में, स्पेशली प्रोफेशनली भी, एक्टिंग फील्ड में भी। और मुझे लिखने का बहुत शौक़ है, तो मैं बस एक स्क्रीन प्ले लिख रही थी अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रही थी अगेन कि मुझे क्या लिखना चाहिए। एकदम से क्रिएटिव ब्लॉक आ गया था। तभी हंसी मजाक में मेरी मम्मा ने क्रॉप सर्कल्स की बात छेड़ दी, और मैंने कहा कि इंडिया में कभी फिज़िकली क्रॉप सर्कल्स क्यों नहीं दिखते, कभी महसूस होते हैं पर कभी विजुअली दिखते क्यों नहीं हैं। और उसी वक्त इधर भोपाल में नया पिरामिड आना था, और उसके लिए 5 दिन तक ध्यान हो रहा था। रामराजू सर, शंपा मैम, दीप्ति मैम सब ध्यान करवा रहे थे। और तभी मेरे को एकदम से विजन आया कि दिस स्टोरी नीड्स टू बी अराउंड क्रॉप सर्कल्स, और यही स्टोरी जो है वो एमपी के इर्द गिर्द होनी चाहिए। और विजन्स में मैं ध्यान में भी नहीं बैठी, और उस ऊर्जा से ऐसी कनेक्ट हो गई कि वहीं पर मुझे पूरा कैरेक्टर दिखने लगा अपना, कि मेरा क्रॉप सर्कल जो है वो एक फार्मर से रिलेटेड होगा, वो उस फार्मर का क्या नाम है। तो ऐसे ऐसे पूरा मेरा स्क्रीन प्ले बढ़ता गया, और क्रिएटिवली आई वुड से इट हैज़ हेल्प मी अलॉट। पीएमसी हिंदी मेरे लिए लव, अबंडेंस और एक्सेप्टेंस है। पत्री जी कहते हैं, जो आपने जाना है वह दूसरों को भी सिखाओ। अगर ध्यान ने बदला है आपका भी जीवन, तो आज ही आइए और रिकॉर्ड कीजिए अपने ध्यान अनुभव को, और बनिए सत्य के इस महायज्ञ का हिस्सा।